चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। रायसी नगर के समेजा कोठी में शहीद उधम सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय चला रहा है। विद्यालय व्यवस्थापक को शिक्षा विभाग की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि विभाग की तरफ से दीपावली की छुट्टियां होने के बाद भी छुट्टियों के दिनों बेरोक टोक विद्यालय खुला है और विद्यार्थियों को बुला रहे हैं, जबकि बच्चों को लाने ले जाने वाली गाड़ियों के चालकों ने छुट्टी के दिन में छुट्टी रखने की बात कही तो भी व्यवस्थापक के कानों तक जूं नहीं रहेंगी। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों ने इस बात को लेकर भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को भी सूचना देकर विद्यालय में छुट्टी के दिन छुट्टी रखने के लिए पाबंद करने की मांग की। वहीं अभिभावकों का कहना है कि दीपावली पर बच्चों को फीस लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तथा बच्चों को घर पर बंधक बनाकर रखा जा रहा है। व्यवस्थापक द्वारा बच्चों को कहा जा रहा है कि अगर फीस नहीं जमा करवाते तो आपको छुट्टियां नहीं की जाएंगी, जबकि इस समय किसानों के पास पैसों का अभाव है। फसलों के बेचान के बाद ही किसानों के पास पैसे आएंगे। वहीं अभिभावकों के कहने पर अनूपगढ़ ज्योति के रिपोर्टर रामस्वरूप नायक स्कूल कवरेज करने गए तो विद्यालय परिवार ने उनका मोबाइल छीनकर खबरों को डिलीट कर दिया। इस संबंध में रिपोर्टर ने थाना प्रभारी समेजा को फोन किया तो थाना प्रभारी ने विद्यालय व्यवस्थापक को चेतावनी देते हुए शीघ्र ही रिपोर्टर का मोबाइल लौटाने को कहा। इस पर विद्यालय व्यवस्थापक ने रिपोर्टर को मोबाइल लौटा दिया। अभिभावकों ने चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग एवं प्रशासन से विद्यालय पर कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार, मैं रामस्वरूप नायक। आज सुबह की घटना समेजा कोठी स्कूल की, शहीद उधम सिंह स्कूल में आज छुट्टी, सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल का ताला खुला रहा और बच्चों को बुलाकर बच्चों को प्रताड़ित किया गया और बच्चों के परिजनों द्वारा मेरे को आज सुबह फ़ोन कर उस विषय में बताया तो मैं रिपोर्टिंग करने गया तो मेरे साथ भी बदतमीजी की और व्यवस्थापक के परिजनों द्वारा मेरा मोबाइल छीन लिया गया। और मैंने जब SHO साहब से फ़ोन करके जब बात की तो उन्होंने मेरा मोबाइल वापस दिलवाया। अभद्र व्यवहार मेरे साथ भी किया गया और जो बच्चों को परिजन है उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिस कारण आज बच्चों को स्कूल प्रिंसिपल द्वारा अपने घर में बंधक बना के रखा और कहा गया कि आप हमें पूरी फीस ला के दोगे तभी हम आपके स्कूल की छुट्टी करेंगे। इससे ड्राइवर जो इस स्कूल के जो साधन वाले हैं जैसे वो भी काफ़ी नाराज़ थे और उनका भी कहना कि हमें स्कूल वालों ने प्रताड़ित कर रखा है और बच्चों को ज़बरदस्ती लाने को कह रहे हैं। इसीलिए मैं प्रशासन से और चेताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे परिजनों द्वारा इस स्कूल को ताला भी लगा जा सकता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।